कराते हैं। सो नाउ वी आर गोइंग टू डू पार्ट टू ऑफ द फ्लेमिंगो, जो हम लोग का चल रहा था द इंटरव्यू, उसका पार्ट टू है। ठीक है, पार्ट वन मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, ये पार्ट टू का वीडियो है जो हम लोग अभी अपलोड कर रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट टू में हम लोग जो है एक पर्टिकुलर प्रोफेसर है जो नॉवेल्स लिखते हैं, जिनका नाम है उम्बर्टो इको। ठीक है, इटालियन है और फिलोसोफर है, नॉवेलिस्ट है, कल्चरल क्रिटिक है। ठीक है, तो ये इनका इंटरव्यू एक बुक ये है जो पेपर में जो छपा हुआ है, उसके बारे में हम लोग को थोड़ा सा रीड करना है। ठीक है, सो द फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम एन इंटरव्यू ऑफ उम्बर्टो इको, का नाम बड़ा अजीब सा है यार, देख के लग रहा पता नहीं क्या नाम है। द इंटरव्यू इज मुकुंद पद्मनाभन फ्रॉम द हिंदू। अब ये जो मुकुंद पद्मनाभन जो है ये अभी भी काफी एक्टिव है, ठीक है, हिंदू के क्या नाम है, जर्नलिस्ट है। उम्बर्टो इको, अ प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना इन इटली, हैड ऑलरेडी एक्वायर्ड अ फॉर्मेटेबल रेपुटेशन एज अ स्कॉलर फॉर हिज आइडिया ऑन सिमियोटिक्स। सिमियोटिक्स बेसिकली होता है स्टडी ऑफ साइन, ठीक है, जो साइन होता है उसकी स्टडी करते हैं ये। द स्टडी ऑफ साइंस लिखा हुआ है, द लिटररी इंटरप्रिटेशन एंड मिडिवल एस्थेटिक्स बिफोर इट टर्न टू राइटिंग फिक्शन। अब एस्थेटिक का बेसिकली मतलब होता है विच इज कंसर्न विद ब्यूटी या आर्ट। ठीक है, तो इनका काम है साइन को इंटरप्रेट करना। ठीक है, और पुराने जो मिडिल हिस्ट्री है हमारा, मिडिवल हिस्ट्री जो है उसकी ब्यूटी को थोड़ा सा बताना, वहां पर जो स्कल्पचर्स हैं या जो भी साइन है उसकी ब्यूटी को बताना। ठीक है, और वो अब क्या करते हैं, फिक्शन लिखना चालू कर दिया। फिक्शन का मतलब होता है फॉल्स स्टोरी। ठीक है, उन्होंने एक तो फॉल्स झूठी स्टोरी लिख दी उन्होंने, माने तुम जानते हो ना बहुत सारी स्टोरी फिक्शन होती है जो एक्चुअली हकीकत स्टोरी नहीं होती, पर पढ़ने में बड़ा मजा। ठीक है, जैसे हम लोग की हिंदी की मूवी जो भी है सब फिक्शन है ना, एक हीरो ने एक एक घुसा मारा तो चार आदमी गिर गया। ठीक है, एक बॉक्स में आठ आदमी उड़ रहा है, अजय देवगन गाड़ी उड़ा रहा है, सब फिक्शन है, सब कोई इसके अंदर में कोई भी फैक्ट नहीं। लिटरेरी फिक्शन, एकेडमिक टेस्ट, एसेज, चिल्ड्रंस बुक, न्यूज़पेपर आर्टिकल, ये सब वो लिखते हैं। हिज रिटन आउटपुट इज स्टैगरिंग, स्टैगरिंग मतलब बहुत ह्यूज क्वांटिटी में लिखते हैं वो, लार्ज एंड वाइड रेंजिंग। इन 1980 ही एक्वायर्ड द इक्विवेलेंट ऑफ इंटेलेक्चुअल सुपरस्टारडम विद द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ द रोज, विच सोल्ड मोर देन 10 मिलियन कॉपीज। अगर आज के भाषा में बोला जाए तो इन्होंने एक तो वीडियो शूट किया जो कि वायरल हो गया। ठीक है, तो इनकी एक तो किताब थी द नेम ऑफ द रोज जो वायरल हो गई। ठीक है, इसी के लिए ये बहुत फेमस हो गए, अपनी एक किताब से ये फेमस हो गए, किताब का नाम था द नेम ऑफ द रोज। ठीक है, इसी के ऊपर में इंटरव्यू चल रहा है। ठीक है, मुकुंद उनसे पूछ रहा है, द इंग्लिश नॉवलिस्ट एंड एकेडमिक डेविड लॉज वंस रिमार्क, आई कांट अंडरस्टैंड हाउ वन मैन कैन डू ऑल द थिंग्स ही डज। ठीक है, तो मुकुंद थोड़ा तारीफ करते हुए बोल रहा है कि सर एक बार एक डेविड लॉज आपके बारे में लिखा है कि मुझे नहीं समझ में आता कि एक आदमी इतना सारा काम कैसे कर सकता है जैसे कि आप करते हो। जैसे मैंने तुमको बताया अभी, वो फिलोसोफर है, नॉवेलिस्ट है, कल्चरल क्रिटिक है। ठीक है, ही इज अ प्रोफेसर ऑफ सिमियोटिक्स, माने वो स्टडी ऑफ साइन करते हैं। तो बोला इतना सारा आप नॉवेल भी लिख लेते हो यार, आप इतना काम कैसे कर सकते हो। तो उम्बर्टो इको क्या बोल रहे हैं, मे बी आई गिव द इम्प्रेशन ऑफ डूइंग मेनी थिंग्स बट इन द एंड आई एम कन्विंस्ड आई एम ऑलवेज डूइंग द सेम थिंग। तो वो बोल रहे हैं कि ऐसा लोगों को लगता है कि मैं अलग अलग काम कर रहा हूँ, पर मैं एक्चुअली में देखा जाए तो एक ही काम कर रहा हूँ। जैसे मैं तुमको समझाऊं कि अगर कोई मेरे बारे में बहुत जन बोलते सर आप इतना सारा सब्जेक्ट कैसे पढ़ाते, तो लोगों को लगता है कि मैं इतना सारा सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ, मैं तो एक ही काम कर रहा हूँ कि पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो मैं एक ही काम को जो मेरे को अच्छा लगता है वही काम कर रहा हूँ, लोगों को लगता है कि वो बहुत सारा काम कर रहा हूँ। ठीक है, तो मुकुंद बोलता है विच इज, आप एक काम क्या करते। तो उम्बर्टो बोलता है, ओह नाउ दैट इट इज मोर डिफिकल्ट टू एक्सप्लेन, आई हैव सम फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट एंड आई परस्यू देम थ्रू माय एकेडमिक वर्क एंड माय नॉवेल्स। बेसिकली मैं फिलोसॉफिकल, मेरा ना हॉबी है फिलोसफी। ठीक है, तो मेरी फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट है और उसको मैं अपनी पढ़ाई से और अपने नॉवल के थ्रू लोगों को बताता हूँ। तो इनफैक्ट मैं नॉवल नहीं लिख रहा, मैं अपना ही फिलोसफी लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। इवन माई बुक्स फॉर चिल्ड्रेन आर अबाउट नॉन वायलेंस एंड पीस, सो यू सी द सेम बंच ऑफ एथिकल फिलोसॉफिकल इंटरेस्ट। बोल रहा है आइडिया मेरा एक ही है, पर मैं उस आइडिया को अलग अलग जगह एक्सप्रेस करता हूँ। शायद उस आइडिया से मूवी बना देता हूँ, उस आइडिया से स्टोरी बना देता हूँ, उस आइडिया से लेक्चर दे देता हूँ। तो काम एक ही करता हूँ लेकिन अलग अलग फील्ड में करता हूँ, तो लोगों को लगता है कि मैं बहुत काम करता हूँ। ठीक है, एंड देन आई हैव अ सीक्रेट, डिड यू नो दैट व्हाट विल हैपन इफ यू एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस फ्रॉम यूनिवर्स, एलिमिनेट द एम्प्टी स्पेस इन ऑल द एटम्स, द यूनिवर्स विल बिकम एज बिग एज माय फिस्ट। अब देखो ये एक और फिलोसफी है। ठीक है, ये एक और लॉजिक बता रहे हैं। और अगर इस दुनिया से हम जितना वैक्यूम है उसको हटा दें, वैक्यूम का मतलब समझते हो, जैसे तुम्हारे तुम में और तुम्हारे जो पीछे दीवाल है ना, उस दीवाल के बीच में तो काफी स्पेस है, जगह है ना, लेकिन वो वैक्यूम है ना।
अगर हम उस दोनों को सटा दे, वैसे ही तुम्हारे अंदर तो बहुत सारे एटम्स हैं, हम लोग तो एटम से बने हैं, तो एटम के बीच में भी स्पेस होते हैं। अगर मैं उस स्पेस को भी हटा दूं तो यूनिवर्स जो है वो खाली एक मुट्ठी भर रह जाएगा, जो कि अभी खुल के इतना बड़ा ह्यूज लग रहा है। अगर हम सारा स्पेस जो गैप है उसको कम कर देंगे तो हम छोटे हो जाएंगे इतना। ये काफी भयंकर फिलोसफी है, समझ सको तो समझो। माने लोग बोलते हैं ना यूनिवर्स इतना बड़ा है, तो यूनिवर्स बड़ा क्यों है? क्योंकि यूनिवर्स के बीच में बहुत गैप है। अगर सारा गैप को जोड़ दिया जाएगा तो यूनिवर्स इतना छोटा सा हो जाएगा, ठीक है, जिसको कृष्ण भगवान अपने मुंह में रख लेते हैं। अब समझ में आ रहा क्यों रख लेते हैं? क्योंकि है तो वो इतना छोटा ही। सिमिलरली वी हैव लॉट ऑफ एम्प्टी स्पेस इन आर लाइफ, आई कॉल दम इंटरस्टिसीज। से यू आर कमिंग ओवर टू माई प्लेस, यू आर इन अ एलिवेटर एंड वाइल यू आर कमिंग अप आई एम वेटिंग फॉर यू। दिस इज एन इंटरस्टाइस, एन एम्प्टी स्पेस। आई वर्क इन एम्प्टी स्पेसेस वाइल वेटिंग फॉर यू योर एलिवेटर टू कम अप फ्रॉम द फर्स्ट टू द थर्ड फ्लोर। आई हैव ऑलरेडी रिटन एन आर्टिकल। तो अब ये फिर से एक तो फिलोसफी बता रहा है, बोल रहा है जब तुम क्या नाम है लिफ्ट से ऊपर आ रहे हो और मैं वहां पर खड़ा हूं तो मैं तुम्हारा वेट कर रहा हूँ। अब ये जो मेरा जो वेट है ना तुम्हारे लिए, ये एक एम्प्टी स्पेस है, ठीक है, अ वेरी स्मॉल स्पेस है, ठीक है। इंटरस्टाइस का मतलब भी होता है बहुत छोटा सा स्पेस है, ठीक है। मुकुंद को उसको समझ में कुछ नहीं आ रहा, वो बोला बट नॉट एवरी वन कैन डू दैट ऑफकोर्स। योर नॉन फिक्शनल राइटिंग, योर स्कॉलरली वर्क हैज अ सर्टेन प्लेफुल एंड पर्सनल क्वालिटी अबाउट इट। इट इज अ मार्क डिपार्चर फ्रॉम अ रेगुलर एकेडमिक स्टाइल which is invariably depersonalized and often dry and boring. Have you consciously adapted an informal approach or is it something that just comes natural to you? So Mukund bolta hai, sir, aapka jo writing ka style hai na, wo logo se bahut different hai. Theek hai, aap jab likhte hain to uske andar bahut mane apna personal experiences ya personal baatein bahut jodte hain, hansi mazak bahut jodte hain, theek hai. Baaki log jab likhte hain wo thoda seriously likhte hain. Serious in the sense वो लोग को लगता है कि जब मैं लिख रहा हूँ तो मैं मजाक नहीं कर सकता, या मैं थोड़ा सा बहुत मैंने एकदम एकदम मैंने मेरे को एकदम फॉर्मल लिखना चाहिए मेरे को, ठीक है। आपकी जो राइटिंग है ना वो थोड़ी सी डीप पर्सनलाइज है, मैंने उसमें हंसी मजाक चलता है, जैसे मयंक सर की क्लास है, ठीक है, हम लोग की क्लास में थोड़ी हंसी मजाक कर लेते हैं। जैसे आज मैंने मिस्टर आदित्य दुबे से कोई हंसी मजाक नहीं की, है ना आदित्य दुबे, कैसे चल रही है आपकी जिंदगी? काफी खराब। कल और आज में काफी फर्क पड़ गया लग रहा है आपके? खाली थोड़ा ही ऐसा ऐसा लग रहा, कल की डांट के बाद आज कम से कम 8-10 घंटा तो पढ़े हैं, है ना? याद रखो ये अभी कंटिन्यू करना है, समझ में आ गया, 5-6 महीना अभी इसी फॉर्म में चलना है, ठीक है। तो अम्बर्टो इको जो है, अम्बर्टो इको है वो बताते हैं उनकी राइटिंग डिफरेंट क्यों है, वो बता रहे हैं। बोल रहे व्हेन आई प्रेजेंटेड माय फर्स्ट डॉक्टरल dissertation in Italy, one of the professors said, scholars learn a lot of a certain subject, then they make a lot of false hypotheses, then they correct them, and at the end they put the conclusion. ठीक है, तो अब जब ये बता रहे कि जब मैं अपना सबसे पहला dissertation in Italy में submit कर रहा था, तो मेरे professor ने मेरे को बताया कि लोग PhD कैसे करते हैं, वो लोग क्या करते हैं, बहुत सारे subject को पढ़ते, ठीक है, उसके अंदर वो लोग बहुत सारे false hypotheses लेते, माने हाइपोथेसिस तुमको पता होता है ना, हाइपोथेसिस मतलब एक थ्योरी को लेना जो कि हो सकता है गलत हो, हाँ डिबेटेबल होती है वो हाइपोथेसिस, ठीक है, फिर वो लोग उसको ठीक करते, ठीक है, और वो लोग उसको प्रेजेंट करते, ठीक है। लेकिन आपने क्या किया, आपने अपनी राइटिंग में उल्टा ही काम किया, ठीक है, आपने अपनी राइटिंग में अपने रिसर्च के बारे में लिखा है कि मैं रिसर्च कैसे स्टार्ट किया और मेरे रिसर्च में क्या गलती हुई, ठीक है, इवन इंक्लूडिंग योर ट्रायल्स एंड एरर, आपने बताया कि आपने कैसे रिसर्च को स्टार्ट किया, कहाँ गलती हुई, कैसे एरर हुआ। At the same time, he recognized I was right and went on to publish my dissertation as a book, which meant he appreciated it. तो उसने क्या किया? उसने मैंने जो लिखा ना practically कि मैंने ये किया सर, फिर मुझसे ये गलती हुई, मुझसे वो गलती हुई, तो उसको वो बड़ा amazing लगा कि इस तरह से तो लोग कोई present नहीं करता, अपना personal experience तो कोई नहीं बताता, है ना? जैसे कि आप लोग क्या करते हैं, लोग बताते हैं, एक तो थ्योरी पढ़ी, थ्योरी के ऊपर hypothesis लिखी, फिर जहां पे गलत है उसको सही किया और present कर दिया। इन्होंने लिखा कि मेरा क्या पूरा प्रोसेस लिख दिया इन्होंने, ठीक है, तो वो प्रोसेस काफी इंटरेस्टिंग था, तो वो उसके प्रोफेसर को भी अच्छा लगा और उन्होंने उसको पब्लिश कर दिया। एट दैट पॉइंट एट द एज ऑफ 22 आई अंडरस्टूड स्कॉलरली बुक्स शुड बी रिटन द वे आई हैड डन बाय टेलिंग द स्टोरी ऑफ द रिसर्च। बोल रहे हैं कि अगर आप कोई चीज की स्टोरी बताएं कि आपने कैसे किया उस चीज को, तो वो ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाती। दिस इज व्हाई माय एसे ऑलवेज हैव अ नैरेटिव एस्पेक्ट, ठीक है, तो जब भी मैं कोई एसे लिखता हूँ उसमें नैरेटिव होता है, नैरेटिव माने मैं कहानी बताने की कोशिश करता हूँ।
एंड दैट इज वाई प्रॉब्ली आई स्टार्टेड राइटिंग नैरेटिव सो लेट एट द एज ऑफ 50 मोर और लेस. ठीक है, तो बोल रहा है इसके लिए अब मैं जब बड़ा हो गया हूँ थोड़ा, ठीक है, मेरे पास ज्यादा कहानियां हो गई है, ठीक है, और मेरे को एक्सपीरियंस काफी है, तो मैं अपनी सारी बातों को एक कहानी की तरह से लिखता हूँ. आई रिमेम्बर दैट माई डियर फ्रेंड रोलैंड बार्थेस वॉज ऑलवेज फ्रस्ट्रेटेड दैट ही वॉज एन एसेस्ट एंड नॉट अ नॉवेलिस्ट. ही वॉन्टेड टू डू क्रिएटिव राइटिंग वन डे ऑर द अदर बट इट डाइड बिफोर ही कुड डू सो. आई नेवर फेल्ट दिस काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेशन. आई स्टार्टेड राइटिंग नॉवल्स बाय एक्सीडेंट. ठीक है, तो अब ये जो इसका एक फ्रेंड है उसको नॉवल लिखने का बहुत मन था. नॉवल का मतलब नरेट करने का, स्टोरी बताने का बहुत मन था, लेकिन वो जिंदगी भर एसेस था. एसेस लोग, एसेस में ना आप इसी स्टोरी नहीं बताते, आप टू द पॉइंट चलते हैं. ठीक है, और ये जो है इसने सीधा ही नॉवल लिखा, मैंने सीधा ही नरेट करना चालू किया. लेकिन एक बात है, नॉवल बहुत मोटा होता है. ठीक है, नॉवल के अंदर बहुत सारे पेजेस होते हैं, ऐसे के अंदर इतना पेजेस नहीं होता है. तो नॉवल लिखना एक बहुत बड़ी कला है, क्योंकि आपको इतनी देर तक एक ऑडियंस को पकड़ के रखना है. ऐसे तो क्या है, 4-5 पेज कैसे होगा, 1000-2000 वर्ड कैसे होगा, वो तो आप लोगों को रोक सकते हो उसमें. लेकिन नॉवल में किसी को पकड़ के रखना एक बहुत बड़ी कला है. तो इसका जो फ्रेंड है वो हमेशा, हाँ, नॉवल कैसे लिखा जाता है? नॉवल क्या होता है, नॉवल तो इतना मोटा मोटा बुक्स होते हैं ना, 350 पेजेस, 400 पेजेस के, 500 पेजेस के नॉवल्स होते हैं. तो अगर आप एक स्टोरी, इतनी बड़ी स्टोरी बता रहे हो, तो वो स्टोरी, लोग आपका स्टोरी क्यों पढ़ेंगे? अगर वो इंटरेस्टिंग नहीं होगा तो नहीं पढ़ेंगे ना. हम कुछ चीज पढ़ रहे हैं, वो हमको इंटरेस्टिंग लगना चाहिए ना, हमको मजा आना चाहिए ना. नेक्स्ट पेज में क्या होगा, नेक्स्ट पेज में क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, तभी तो हम पढ़ेंगे. अगर हम इंटरेस्ट ही खो देंगे तो हम तो पढ़ना बंद कर देंगे. राइट, मतलब स्टोरीज को नॉवल कहते हैं. क्या? बड़ी स्टोरियों को नॉवल कहते हैं. हाँ, बड़ी स्टोरी जो होती है, ठीक है, जैसे तुम इसको ऐसे समझो, जो हमारी मूवी होती है ना वो एक तरह का एसे है. ठीक है, और जो हमारी सीरीज है ना वो एक तरह के नॉवेल्स है. अब तुम देखो आजकल इतनी इंटरेस्टिंग सीरीज आ रही है, लोग एक के बाबा ने 8 या 10 एपिसोड का एक सीरीज आता है, लेकिन लोग देखने बैठते हैं तो देखते ही जाते हैं, पूरा कंप्लीट करके उठते है कि नहीं? Yes. तो इतना इंटरेस्टिंग होता है, तो वो क्यों देखते हैं लोग? क्योंकि वो उनको एनगल्फिंग लगता है, वो उनको इंटरेस्टिंग लगता है, एक के बाद रुका ही नहीं जाता उनसे ना, वो वेट करते हैं नया सीजन आएगा तो हम तुरंत देखेंगे. तो उसको, लेकिन उसको बनाना बहुत मुश्किल है ना, क्योंकि आप लोगों का इंटरेस्ट पकड़ के रखे. समझ में आ रहा बात को? Yes. तो बोला नॉवल्स जो है, क्योंकि मैं नरेशन में अच्छा हूं, मैं हर चीज को कहानी की तरह बताता हूं, तो नॉवल लिखना मेरे लिए आसान. ठीक है, टॉकिंग अबाउट नॉवल्स, फ्रॉम बीइंग अ फेमस एकेडमिक यू वेंट ऑन टू बिकमिंग अ स्पेक्टेकुलरली फेमस आफ्टर द पब्लिकेशन ऑफ द नेम ऑफ रूल्स. यू हैव रिटन 5 नॉवल्स अगेंस्ट मेनी मोर स्कॉलरी वर्क्स ऑफ नॉन फिक्शन, एटलीस्ट मोर देन 20 ऑफ देम. तो बोल रहा है अगर हम लोग नॉवल की बात करें, तो बोल रहा है आप इतने फेमस हो गए एक नॉवल के बाद, द नेम ऑफ द रोज आपने जो लिखा उसके बाद आप इतने फेमस हो गए. ठीक है, आपने उसके अलावा कम से कम 20 नॉन फिक्शन काम किए. तो वो उसको बीच में रुकलता, नहीं 40 से ज्यादा तुमको बता रहे ओवर 40. अमॉन्ग देम अ सेमिनल पीस ऑफ वर्क ऑन सिमियोटिक्स. सेमिनल पीस का मतलब ये होता है कि बहुत ही ज्यादा कामयाब. ठीक है, सिमियोटिक का मतलब होता है बहुत ज्यादा कामयाब. ठीक है, तो ग्राउंड ब्रेकिंग बोल सकते हैं, माने आपने इतना नॉवल लिखने के बीच में एक राइटिंग के ऊपर आपने एक बहुत बड़ा काम किया है. ठीक है, आपने एक तो ग्राउंड ब्रेकिंग लिखा है, तो आपको कैसे टाइम मिल जाता है, नॉवल भी लिख लेते हो. ठीक है, आप नॉन फिक्शंस भी लिख लेते हो, फिक्शंस लिख लेते हो, और आप अपना एक्सपेरिमेंट भी कर रहे हो. आप अपना ये क्या नाम है, जो आपकी जो पढ़ाई है सिमियोटिक्स, उसके बारे में भी काम कर रहे हो, आप ये कैसे कर लेते हो? तो उम्बर्टो बोल रहा है, यस बिकॉज आई कंसिडर माई सेल्फ अ यूनिवर्सिटी प्रोफेसर हु राइट नॉवल्स ऑन संडेज. इट्स नॉट अ जोक. आई पार्टिसिपेट इन एकेडमिक कॉन्फ्रेंसेज एंड नॉट मीटिंग्स ऑफ पेन क्लब्स एंड राइटर्स. आई आइडेंटिफाई माई सेल्फ विद एकेडमिक कम्युनिटी, बट ओके इफ दे हैव रेड ओनली द नॉवल्स. आई नो दैट बाई राइटिंग नॉवल्स आई रीच अ लार्जर ऑडियंस. आई कैनॉट एक्सपेक्ट टू हैव 1 मिलियन रीडर्स विद स्टाफ ऑन सिमियोटिक्स. तो उम्बर्टो एक को बता रहे हैं कि देखो, पहली बात तो ये है कि मैं एक टीचर हूँ, एक प्रोफेसर. ठीक है, मैं अपने आप को राइटर नहीं समझता. मैं राइटर खाली संडे को मैं राइटर हूं, बाकी टाइम मैं यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर हूं और मेरा काम ही है सिमियोटिक के ऊपर. ठीक है, मैं किसी पेन क्लब या राइटर क्लब का मेंबर नहीं. ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मेरा जो काम है उसमें उतनी ऑडियंस नहीं होगी, लेकिन जो मैं लिखता हूं उसकी काफी ऑडियंस है. ठीक है, तो लिखने से, जैसे अगर आज तुम ऐसा समझो, जब मैं YouTube का वीडियो अभी तुमको पढ़ा रहा हूँ क्लास में, तो मेरे पास सिर्फ एक स्टूडेंट है, प्रमोद जी है ना, अभी जो बैठे हैं यहाँ पर आदित्य दुबे, एक ही स्टूडेंट है. लेकिन जब मैं उसको YouTube में डालूंगा तो कितने स्टूडेंट हो जाएंगे मेरे पास, सब लोग देखेंगे है ना, हजारों लाखों व्यूज हो जाते हैं. इसी ये जो ये देखो, एक जन को पढ़ा रहा हूँ मैं आपको. ठीक है,
जो मेरा दिमाग खा रहा, रात के बज रहे हैं कितने, 10:30 नहीं 11 बज रहे हैं, कितने बजे रात के, 10:53 हो रहा है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और आपको जान के बड़ी खुशी होगी कि आज मैं सुबह 5 बजे से उठा हुआ हूँ, ठीक है। और ये मेरा 5 बजे मैं उठा हूँ, फिर मैं आज मंदिर गया क्योंकि मैं जैन हूँ, हम लोग का आज पूजा था, मंदिर से मैं करीब 11 बजे आया हूँ, 11 बजे के बाद से मैं पढ़ा रहा हूँ कंटिन्यूसली, अभी फिर 11 बजने वाला है, ये 12 घंटा चल रहा है, मैं इसी चेयर पर बैठा हूँ, एक दो बार बीच में उठाऊंगा टॉयलेट करने के लिए। और आदित्य दुबे हमको फोन करके बोलते, सर क्या हमको पढ़ा देंगे? सर बोलते, अच्छा हम भी देखते बेटा तुम भी ज्यादा गट से कि हम भी ज्यादा गट से, देखते कौन ज्यादा देर बैठता है, आओ बेटा तुमको भी पढ़ाएंगे, अभी कोई और आएगा तो उसको सर भी पढ़ाएंगे। आप अकेले ही ऐसे टीचर हैं जिससे पढ़ने का मुझे रोज मन करता है, बाकी कोई टीचर से नहीं तुम करता। ऐसे एक नहीं हो, अभी तुमसे पहले भी एक लड़की को मैं ऐसी, वो मेरा दिमाग खा रही थी बहुत देर तक, लेकिन मैंने भी बोला कि आओ बेटा आज तुमको, आओ हवेली पे आओ तो आज देखते हैं। उसको कराया अभी पूरा इकोनॉमिक्स का, उसको इलास्टिसिटी का पूरा सम कराया, उसको मैथ्स में कुछ नहीं आता। मेरे से क्या पूछी थी पता है, मेरे से पूछी थी, सर मेरे को ना वो जो ग्रेटर देन और लेसर देन का साइन नहीं मालूम कि ग्रेटर देन ऐसे लगाते हैं कि ऐसे लगाते हैं, 11th की स्टूडेंट है मैथ्स की, और उसको भी मैंने इकोनॉमिक्स के सम सिखाए, अब तुम सोच लो, इमेजिन कर लो। इलेवेंथ क्या में मैथ लिया उसने? नहीं, मैथ्स नहीं लिया, लेकिन थोड़ा बहुत मैथ्स तो सब जगह है ना, इकोनॉमिक्स में तो मैथ्स सही, स्टैट्स में तो मैथ्स सही, मैथ्स आपका पीछा थोड़ा छोड़ेगा। खैर चलो, तो इम्बर्टो इको बोल रहे हैं कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक टीचर हूँ, मैं राइटर नहीं हूँ, मैं राइटर खाली हॉबी का हूँ, ठीक है, लेकिन लोगों को मैं एज अ राइटर ज्यादा समझ में आता हूँ, एज अ टीचर कम समझ में आता हूँ, ठीक है। तो बोल रहा है, विच ब्रिंग्स टू माई नेक्स्ट क्वेश्चन, द नेम ऑफ अ रोज इज अ वेरी सीरियस नॉवल, इट इज अ डिटेक्टिव यार्न एट वन लेवल, बट इट ऑल्सो डेल्स इन टू मेटाफिजिक्स, theology, medieval history, yet enjoyed a huge mass audience, was you puzzled at all by this? अब मुकद बोल रहा है कि मेरे को एक बात समझ में नहीं आ रही सर, कि जो आपने नॉवल लिखा है नेम ऑफ द रोज, पहली बात तो ये है कि एक बहुत ही सीरियस नॉवल, ठीक है, और ये नॉवल जो है एक तरफ तो इसके अंदर डिटेक्टिव एलिमेंट है, माने थोड़ी सी सस्पेंस है इस नॉवल के अंदर, लेकिन इसके बाद ये जो नॉवल है ये आपका मेटाफिजिक्स के बारे में बात करता, ठीक है, मेटाफिजिक्स एक एरिया होता है फिलोसफी का जो डील करता है नेचर ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ ट्रूथ एंड नॉलेज, माने मेटाफिजिक्स बात करता है कि क्या सच है क्या झूठ है, ठीक है, वो एग्जिस्टेंस के ऊपर में ज्यादा बात करता है, ठीक है, प्लस थियोलॉजी तुमको पता ही है, थियोलॉजी द स्टडी ऑफ रिलीजन, रिलीजन के ऊपर बात करता है, और मिडिवल हिस्ट्री मतलब करीब तुम सोच लो 5th से 15th सेंचुरी की बीच की जो हिस्ट्री है उसके बारे में बात करता है, ठीक है। तो पूरा एक आपने एक ऐसा नॉवल लिखा है सर जिसके अंदर डिटेक्टिव है, सस्पेंस है, फिजिक्स है, थियोलॉजी है, ये आपको लगता है ऑडियंस पढ़ेगी ये सब कुछ, ठीक है, ठीक है, तो बोला आप इस सबसे पजल नहीं होते, आप कैसे इस सब चीज को एक चीज में घुसा देते हैं? तो ये बोल रहा है उम्बर्टो इको, बोल रहा है सी नो जर्नलिस्ट आर पजल्ड एंड समटाइम्स पब्लिशर, एंड दिस इज बिकॉज जर्नलिस्ट एंड पब्लिशर बिलीव दैट पीपल लाइक ट्रैश एंड डोंट लाइक डिफिकल्ट रीडिंग एक्सपीरियंस। बहुत बड़ी बात है, वो बोल रहा है जर्नलिस्ट को क्या लगता है मालूम है, मूवी मेकर को क्या लगता है पता है, कि हम पिक्चर में 4 गाने डाल देंगे, 2 डांस दिखा देंगे, 3-4 फाइट सीन दिखा देंगे, ऑडियंस को यही पसंद आएगा, अगर हम एक्सपीरियंस कोई बहुत सीरियस चीज दिखाएंगे तो ऑडियंस को पसंद नहीं आएगा, लेकिन ये बात कहीं तक सच भी है, लेकिन कुछ तो ऑडियंस है जिनको अच्छी चीजें अच्छी लगती है, जो अच्छा सीरियस स्टफ देखना चाहते हैं, जो लॉजिकल स्टफ देखना चाहते हैं, ठीक है। तो बोल रहा है द नेम ऑफ द रोज सोल्ड 10 to 15 million कॉपीज, सो इन अ वे आई रीच्ड ओनली अ स्मॉल परसेंटेज ऑफ रीडर्स, but it is exactly these kind of readers who don't want easy experience or at least don't always want this. I myself at 9 p.m. after dinner watch television and want to see either Miami Vice or Emergency Room. I enjoy it and I need it but not all day. तो बोल रहा है अगर हम लोग पूरी वर्ल्ड का पॉपुलेशन देखें, उस पॉपुलेशन के हिसाब से जितनी मेरी कॉपी बिकी है ना वो बहुत 10% भी नहीं, 10% से भी कम है, 5% से भी कम है, तो मेरी जो कॉपी बिकी है बहुत लिमिटेड लोगों में बिकी है, ठीक है। और एक बात और भी है कि कुछ लोग हैं जो अच्छा स्टफ, सीरियस स्टफ देखना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन हमेशा नहीं, ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं भी अभी मैं पढ़ा के तुमको क्या लगता है क्या करूंगा, जाके सो जाऊंगा? मैं इमीडिएटली तो सो नहीं पाऊंगा ना, अगर मैं अभी जाके सो जाऊंगा ना तो मेरा रात को दिमाग फट जाएगा, क्योंकि तुम इमेजिन करो कोई आदमी 12 घंटा पढ़ा के जिसमें उसने मैथ्स पढ़ाया, साइंस पढ़ाया, इंग्लिश पढ़ाया, ज्योग्राफी पढ़ाया, पॉलिटिकल साइंस पढ़ाया, इकोनॉमिक्स पढ़ाया, CBSE का लिटरेचर भी पढ़ाया, वाला चैप्टर एडवेंचर याद है प्रोफेसर गाइड होंगे, पढ़ा दीजिए बायोलॉजी भी पढ़ा दीजिए, अरे बेटा हमको टेंशन नहीं है, लाओ बायोलॉजी भी पढ़ा दीजिए, हमको टेंशन नहीं,
ठीक है, लेकिन इतना करने के बाद अगर मैं सो जाऊंगा ना तो मेरा रात को दिमाग फट जाएगा, तो मुझे भी थोड़ा सा यूट्यूब देखना पड़ता है ना। यूट्यूब में एक तो आता है ना हिंदी नॉलेज शो आता है, चल उसका नाम ले लिया खुश हो जाएगा भाई, तो मैं देखता रहता हूँ कितने हथियार बनाए इंडिया ने, कितने क्या बनाए, थोड़ा सा दिमाग को डिस्ट्रैक्ट करना पड़ता है। ठीक है, अगर डिस्ट्रैक्ट नहीं करेंगे तो रात को दिमाग फट जाएगा। तो बोल रहा मुझे भी अच्छा लगता है सब मियामी वाइस देखने का। मियामी वाइस जो ना अमेरिकन क्राइम ड्रामा है, या इमरजेंसी रूम, या ये माने एक थोड़ा सा वो है क्या नाम है, इमरजेंसी माने हॉस्पिटल से रिलेटेड है, तो मतलब मुझे भी देखने का मन करता है। लेकिन हर वक्त नहीं, 90% माने 10% तो हर आदमी को रिलैक्सेशन चाहिए, लेकिन उसके बाद आदमी सीरियस स्टफ भी देखना चाहता है। कुड द ह्यूज सक्सेस ऑफ द नॉवल हैव एनीथिंग टू डू विद द फैक्ट दैट इट डेल्ट विद द पीरियड ऑफ मिडिवल हिस्ट्री? तो बोल रहा कि आपके नॉवल में जो मिडिवल हिस्ट्री के बारे में बात करी है, क्या उसके कारण आपका सक्सेस हुआ है? तो व्हाट एवर इट्स पॉसिबल, बट लेट मी टेल यू अनदर स्टोरी, बिकॉज आई ऑफन टेल स्टोरीज लाइक अ चाइनीज वाइज मैन। माय अमेरिकन पब्लिशर सेड व्हाइल शी लव्ड माय बुक्स, शी डिडंट एक्सपेक्ट टू सेल मोर देन 3000 कॉपीज इन अ कंट्री वेयर नोबडी हैज अ कैथेड्रल और स्टडीज लैटिन। सो आई वाज गिवन एन एडवांस फॉर 3000 कॉपीज, बट इन द एंड इट सोल्ड 2 or 3 million इन US। तो वो रहा तुमको एक तो मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं कि जब मेरा पब्लिशर ने मेरी कॉपी पढ़ी, उसको मेरी कॉपी तो अच्छी लगी, स्टोरी अच्छी लगी, पर उसने बोला 3000 से ज्यादा नहीं बिकेगी। ठीक है, तो उसने मुझे सिर्फ 3000 कॉपी के एडवांस पैसे दिए, लेकिन ये कॉपी 2 से 3 million है ना, यू नो मिलियन ना 10 लाख, तो 2 yes. माने 20 लाख, 30 लाख कॉपी, जहां 3000 बिकनी चाहिए वहां 30 लाख कॉपी बिकी। अ लॉट ऑफ पीपल हैव रिटन अबाउट द मिडिवल पास्ट फार बिफोर मी, आई थिंक द सक्सेस ऑफ द बुक इज अ मिस्ट्री। तो बोल रहा है कभी कभी क्या होता है ना मालूम है, कभी कभी ऐसा होता है कि कोई चीज राइट टाइम पे राइट प्लेस पे, मतलब ना एट द राइट प्लेस एट द राइट टाइम एट द राइट, माने जो होता है ना वो जो बोलते हैं वो हो जाता है। बोल रहा है अगर ये किताब मैं 10 साल पहले लिखता या 10 साल बाद लिखता तो शायद ये उतनी सक्सेसफुल नहीं होती जितनी आज भी है। तो टाइमिंग एक बहुत बड़ा बात है। ठीक है, आपका कौन सा सही टाइम पे आप कहाँ पर हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, समझ में आ रहा बात को? तो बोल रहा आज के डेट में ये नॉवल हो सकता है हिट हो गया है, अगर मैं इसको 10 साल बाद लिखता तो शायद ये फ्लॉप हो जाता। ठीक है, तो ये कहानी है। तो हम लोग ने पिछले फर्स्ट पार्ट वन में देखा कि लोग इंटरव्यू को क्रिटिसाइज कर रहे थे, लोग इंटरव्यू देने से मना कर रहे थे, हिचकिचा रहे थे, और इस वाले में हमने एक इंटरव्यू को पढ़ा जो कि ऐसा लग रहा है कि ये उबर्टो इको जो है ये थोड़ा सा इंजॉय कर रहे हैं इसको ना, इनको अच्छा लग रहा है, इन्होंने सब कुछ बताया। सो लेकिन ये चैप्टर से क्या सीखने को मिलेगा मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या सीखने को है बच्चा लोग को इस चैप्टर के ऊपर में, आई डोंट नो। ये इंटरव्यू पढ़ के भी हम क्या कर लेंगे, क्या समझे हमको नहीं समझ में आ रहा। खैर एनीवेज दिस वाज अ स्टोरी, मैंने आपको बता दी, इसका क्वेश्चन आंसर हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलो भाग जाओ यहाँ से, 11 बज रहा है अभी, हम भी थोड़ा सा यूट्यूब में देखें। चलो बाय। पढ़ो पढ़ो, समझ में आया, तुम 12th के स्टूडेंट हो और साइंस के स्टूडेंट हो, मजाक नहीं है तुम।